नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां आज भी मणिपुर मामले को लेकर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं हंगामे के बीच संसद में 3 विधेयक पेश किए गए, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मणिपुर सहित सभी मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर मुद्दे पर संसद में विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की पूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद सांसद संजय सिंह गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित राज्य के विभिन्न एनएच खंडों की 4 लेनिंग में तेजी लाने पर चर्चा की गई। मणिपुर पुलिस ने वायरल वीडियो मामले में 14 और लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में स्थिति की निगरानी कर रहे सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि महिलाओं को घुमाने की घटना फेक न्यूज और अफवाह पर आधारित थी। भारत में पिछले 1 महीने से एक प्रेम कहानी काफी चर्चा में रही, जहां पाकिस्तान से अपने प्यार के खातिर अवैध तरीके से भारत आई सीमा को किसी ने सच्चा आशिक कहा तो किसी ने जासूस। अब सीमा सचिन की तरह ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें भारत के राजस्थान के भिवाड़ी से 35 साल की अंजू नाम की महिला अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। वहीं अंजू ने वीडियो जारी कर कहा कि वह दोस्त से मिलने पाकिस्तान आई है, उसके परिवार को परेशान ना किया जाए। वह पाकिस्तान में कानूनी तरीके से आई है और 2-4 दिन में वापस भी लौट आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 जुलाई तक ASI के मस्जिद परिसर में सर्वे पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें इसी समय पर लाते रहते हैं। RSS विचारक मदन दास देवी का निधन हो गया है, जहां PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मणिपुर मामले को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार हर मुमकिन काम कर रही है। इसी को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने आज 29 जिले के 137 गांव में चकबंदी के लिए हरी झंडी दिखा दी। आपको बता दें कि 51 गांव में पहले और 86 गांव में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी। बिहार के नीतीश सरकार ने महिला उत्थान की दिशा में बड़ा काम किया है, जहां सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान 50% कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता अलग से दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाए हैं, जहां सरकार ने दिल्ली के जिन इलाके में टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया जाता है वहां वाटर ATM लगाने की योजना तैयार की है। दिल्ली में बारिश और यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है, जहां लोहे के पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। वहीं यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच एक बार फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि फिर से यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जो 205.81 मीटर तक पहुँच गया है। पंजाब में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से राज्य को लगभग 1,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान की खबर है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और राहत पैकेज की मांग की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में हर महीने सदन की बैठक की जाएगी। इस बैठक में हर पार्षद को अपने वार्ड के मुद्दे रखने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर जल्द निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस विषय पर बैठक में मंथन किया। झारखंड सरकार एक बार फिर OBC आरक्षण और 1932 के खतियान के आधार पर
स्थानीयता को परिभाषित करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास करा सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पूर्व में दोनों विधेयक को लेकर की गई आपत्तियों पर राज्य सरकार विधिक परामर्श ले रही है और इसी को आधार बनाकर नए सिरे से विधेयक लाने की तैयारी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही कमेटी में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव के अलावा कई बड़े नेताओं को जगह दी गई है। भोपाल और इंदौर मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षाओं से लैस होगी, जिसमें अनअटेंडेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और ड्रिलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन के संचालन के लिए इनबिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 7 महीने पहले सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश की सत्ता पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काबिज हुए। मुख्यमंत्री इसे सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अब व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायती दर पर जमीन देने की योजना पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के 6000 पद भरे नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में ये सभी पद अब भर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब तक माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के विदर्भ में तेज बारिश के कारण अब तक 19 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश से 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी प्रभावित हुई है। गुजरात के बड़ोदरा में बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति सामने आई है, जहां पार्टी राज्य में एक तरफ लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी में जुटी है, वहीं बड़ोदरा शहर में पार्टी के मेयर नीलेश राठौर के खिलाफ पर्चा बांटने के आरोप में नेता सदन अल्पेश लिम्बाचिया को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान में चल रही सियासी उथल पुथल को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, जहां राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा में जाने से रोके जाने पर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है वो कांग्रेस के पापों का नतीजा है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आर्मी स्कूल में टीजीटी, पीजीटी एवं पीआरटी के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aweesindia.com पर 10 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना संभव है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90 से 140 के बीच है तो इसे हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऐसे लोगों को लंबे समय तक यूरिन नहीं रोकना चाहिए और बार बार पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही पेन किलर का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, इससे काफी लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।